ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାଡ଼ି ବରପୋଳି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଧନ ନଥିଲା, ସିଏ ଏକ ପତ୍ରରେ, ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବାଡ଼ି ବରପୋଳି, ତେଣୁ ତାର ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ଗାଁରୁ, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଗୟାକୁଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ्ति। यार कौन उद्देश्य रही थी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्या क्या सामान आप साथ में लेके आए? जी, हम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ से, जांजगीर चांपा जिले के सिरी धाम से आए हैं। क्या क्या लेके आए हाथ में? एक हम साथ में माता सबरी जी ने जो जूठे और मीठे बैर प्रभु श्री राम जी को खिलाए थे, वो बैर साथ में लेकर आए हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा अद्भुत पौधा साथ में लेकर आए हैं जो पृथ्वी में दूसरे जगह कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। माता सबरी ने प्रभु श्री राम जी को उस समय और कुछ रखने को था नहीं माता के पास, तो इसी वृक्ष से, बर वृक्ष से, और देखिए आज आप खुद ही देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से कि ये एक दोने के आकार का है, क्योंकि उस समय रखने को कुछ था नहीं, तो ये दोने का आकार का है। माता ने प्रभु श्री राम जी को इसी में रखकर और मीठे और जूठे बैर खिलाए थे। आज भी ऐसे पत्ते हैं ये हाँ, ये पौधे हम साथ में लेकर आए हैं, और प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आपको एक दूसरा, एक तो आपको शिवरी नारायण में मिलेगा और दूसरा आप अयोध्या में भी मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट से हमारी बात हुई है, ट्रस्ट ने हमको एक्सेप्ट किया है और ट्रस्ट यहाँ पे ये पौधा लगवाएंगे। इनके लिए मैं दिल के गहराई से ट्रस्ट को भी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इनको स्वीकारा है। वहाँ से आए हैं, कितने मेंबर टीम है? हम लोग 17 की टीम है। वहाँ से तो हम लोग सैकड़ों की तादाद में निकले थे, और डीजे रथ के साथ में, और अनेक गाड़ियां थी साथ में, पर चूंकि हम 20 तारीख को बंद हो जाए करके पता चला, तो हम 3 गाड़ी से वहां से निकले छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, और बाकी लोगों को वापस किए, और ताकि प्रवेश नहीं मिल पाएगा, और इसी भावना से हम लोग भग के आए, तो और कल रात में पहुंचे यहाँ। कैसे लग रहा है अभी यहाँ पर पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बड़ा दिवाली लग रहा है। हमने सोच रहे हैं कि यहीं रुक जाए, निश्चित भावे ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ବାଡ଼ି ବରପୋଳି ଏବଂ ସେଇ ଗଛ, ଯୋଉ ଗଛର ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ବି ସେଇଭଳି କୁଞ୍ଚନ ଆକୃତିର ହୋଇଛି, ଠୋଲି ଆକୃତିର ହୋଇଛି। ଏ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ମିଳୁଛି ସେଇ ପତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କର୍ଷବକପୁରମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।